हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टू करने जा रहे हैं 12th क्लास का, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस लेसन के दो पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो आज हम करने जा रहे हैं। इसमें आपको पूरा समरी मिलेगा लेसन का और शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स पूरे मिलेंगे फर्स्ट पार्ट के, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है साहिब आलम और यह है मेरी कहानी। ये तो नहीं जानता कि ये नाम मुझे किसने दिया, पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस नाम का मतलब है संपूर्ण जगत का राजा, और इस बात पे मुझे हंसी आती है। अब आप ही बताइए, मेरी हालत को देख के कोई कहेगा कि मैं संपूर्ण जगत का राजा हूँ? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर मेमोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि अनीस जंग ने लिखा है और ये क्लास 12th की बुक का चैप्टर है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये बेसिकली डिपेंड है जो लोग बहुत ज्यादा मतलब बीपीएल परिवार के जो लोग होते हैं, बिल्कुल गरीब, उन लोगों से रिलेटेड ये चैप्टर है। हमारी जो नैरेटर है उन्होंने सीमापुरी के जो लोग होते थे उनको पूरी तरीके से देखा, वहां गए, जैसी जैसी वहां पे कंडीशंस देखी, वो सभी इस चैप्टर में बताई हुई है। इस चैप्टर के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक में रैग पिकर्स की स्टोरी है और दूसरे में बैंगल मेकर्स की स्टोरी है। तो हमारे इस वीडियो के अंदर हम रैग पिकर्स पे बेस्ड जो स्टोरी है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी समरी देखेंगे, थीम देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देख लेते हैं। ये हमारी ऑथर है जिनका नाम है अनीस जंग। ये हैदराबाद में पैदा हुई थी और इनका होम टाउन भी वही था। प्रोफेशन से ये जर्नलिस्ट और राइटर रह चुकी है। क्लियर। अब हमारी बात करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर वो है साहिब आलम, जो कि एक रैग पिकर है। वो एक रैग पिकर है जो कि सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी कहां पे है? आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बिल्कुल बाहर एकदम अलग जाके वहां पे एक एरिया है जो कि स्लम्स का एरिया है, वहां पे वो रहता है, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन। His family has immigrated from Bangladesh. अब उसका जो पूरा परिवार था वो बांग्लादेश से यहां पर रहने आया था, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि बाढ़ वगैरह और तूफानों की वजह से उनके सारे जो घर हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे और उन सबको यहां पर आके रहना पड़ा था अपना जीवन चलाने के लिए। उसके नाम का जो मतलब है वो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहिब आलम के नाम का मतलब क्या है और क्या उसे अपने नाम का मतलब पता था, ये क्वेश्चन आते हैं। तो उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड, मतलब भगवान। पर उसको खुद के नाम का मतलब जो है वो नहीं पता था। लास्ट में क्या होता है कि वो रैग पिकिंग छोड़ के टी स्टॉल में काम करना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का थोड़ा थोड़ा बताया मैंने आपको उसके कैरेक्टर के बारे में, अब इसकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी राइटर है उन्होंने क्या क्या नोटिस किया साहिब आलम के बारे में। क्लियर। अब हम थोड़ी सी थीम देख लेते हैं पहले हमारे चैप्टर की। ये जो चैप्टर है ये ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग पॉवर्टी मतलब कष्टदायक गरीबी, बिल्कुल जो बहुत ज्यादा पेनफुल पॉवर्टी होती है, जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, पीने के लिए साफ पानी नहीं होता है, आप स्कूल्स वगैरह नहीं होते हैं बच्चों के लिए, छत नहीं होती है सर पे, उस लेवल की पॉवर्टी को इस पूरे चैप्टर के अंदर बताया गया है, स्लम चिल्ड्रन के बारे में और बैंगल मेकर्स के बारे में। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम स्लम चिल्ड्रन के बारे में पढ़ने वाले हैं। They lose the spring of their life, that is the youth of their life in the breadwinning activity. अब जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, रोजमर्रा के लिए रोटी कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, पढ़ाई वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है किसी की भी तरफ से, तो वो क्या करते हैं अपनी breadwinning, breadwinning मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए वो लोग काम करते हैं, रैग पिकिंग का, सारा जो कचरा वचरा उठाते हैं, आपने कई बच्चे देखे होंगे सुबह सुबह एक बड़ा सा झोला लेके अपनी कमर पे कचरा उठा रहे होते हैं। तो इनकी जो पूरी लाइफ है वो इसी गरीबी में बीत जाती है, जिसको हमारी राइटर ने इस चैप्टर के अंदर बताया है। देयर इज नो चाइल्डहुड इन देयर चाइल्डहुड, उनके इस बचपन में उनका जो ये फेज चल रहा है बचपन का, उसमें कोई भी बचपन बचा नहीं था। क्लियर। They led a miserable life, devoid of all the facilities, even not enjoying two times meal and never coming out of the drudgery of life.
उनकी जो जिंदगी थी वो इतनी ज्यादा मिजरेबल है, इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन है उनकी लाइफ की कि कोई भी फैसिलिटी उन्हें अवेलेबल नहीं है, दो टाइम का खाना उन्हें नहीं मिलता है, और जो ये उनका हालत है, ड्रजरी ऑफ लाइफ, मतलब ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, इतना ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उससे बाहर वो नहीं निकल पा रहे हैं किसी भी तरीके से। जो गरीब तबका है वो और ज्यादा गरीब ही हो रहा है, उठ नहीं पा रहा है। क्लियर? अब हमारी समरी स्टार्ट होती है चैप्टर की, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। और ये जो सेंटेंस है ये हमारे साहिब आलम ने बोला है कि कभी कभार क्या होता है कि जो वो कचरे का ढेर होता है उसमें से मुझे कॉइन्स मिल जाते हैं। क्लियर? तो द राइटर सीज अ बॉय नेम्ड साहिब एवरी मॉर्निंग इन द नेबरहुड। हमारा जो राइटर है, जब वो सीमापुरी वाले इलाके में गए तो वो डेली देखते थे कि एक बच्चा है जिसका नाम साहिब है, उसके पड़ोस में वो उसे डेली देखा करते थे, और वो बच्चा कुछ ना कुछ कॉइन्स जो है वो कूड़े के अंदर ढूंढा करता था, लुक्स फॉर सम कॉइन्स और अदर थिंग्स, किसके अंदर, गार्बेज हीप्स के अंदर, जो कूड़े के ढेर होते थे उनके अंदर। और वो लोग अपना घर छोड़ के ढाका से यहाँ पे आके बहुत सालों पहले ही बस गए थे। हिज होम वॉज इन द मिड्स ऑफ ग्रीन फील्ड। उनका घर कहाँ पे था, हरे मैदानों के बीच में था। ढाका से आए थे वो लोग, पर वहां पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स, आंधी तूफान बाढ़ वाड़ आई, जिसकी वजह से उनके जो सारे घर थे और खेत थे वो बह गए। अब उनके पास वहां पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, जिंदा रहने के सारे सोर्सेस जो हैं वो उनके वहां पे खत्म हो गए थे। इसीलिए उनकी फैमिलीज बहुत टाइम पहले दिल्ली के पास जो सीमापुरी का इलाका है आउटस्कर्ट्स में, वहां पे आके रहने लगे थे। So they left their land in search of food and came to the big city of Delhi. Clear? अब यहाँ पे हमने कुछ sentences लिए हैं जो dialogues chapter के अंदर साहिब ने बोले हैं और narrator ने उनसे पूछे हैं। इन पे बेस भी question आते हैं कि ये line किसने बोली थी, इसके जवाब में साहिब ने क्या जवाब दिया। तो हम देखते हैं, seeing साहिब probing the garbage dump, probing मतलब ढूंढना, garbage dumps, the writer asked him, Why do you do this? अब उन्होंने देखा कि जब वो गार्बेज के अंदर ढूंढ रहा है कुछ ना कुछ, तो उन्होंने पूछा कि तुम इसमें क्या ढूंढ रहे हो और तुम ये काम क्यों करते हो? I have nothing else to do. तो साहिब जवाब देता है कि मेरे पास और कुछ भी करने के लिए नहीं है। Go to school, says the writer in a kindly manner. तो साहिब, वो जो हमारा राइटर है वो बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ऐसे नॉर्मली बोलते हैं। वो इतना ज्यादा गरीब है, उसको भी पता है कि कंडीशंस क्या है यहाँ पे, स्कूल्स वगैरह नहीं है, फिर भी वो उससे पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड। वो बोलता है कि यहाँ पे हमारे आस पड़ोस में कोई भी जो स्कूल है वो नहीं है, जब वो एक स्कूल बना देंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। If I start a school, will you come? तो हमारी जो narrator है वो पूछते हैं कि अगर मैंने कोई स्कूल खोला तो क्या तुम उस स्कूल में आओगे? अब ये क्वेश्चन उन्होंने उससे मजाक में पूछा था, सीरियसली नहीं पूछा था। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे जो narrator है उन्होंने पूछा उससे कि क्या जब मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम उस स्कूल में आओगे? तो साहिब ने बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल उस स्कूल में आऊंगा, पर ये चीज वहां पे उसने मजाक में पूछी थी। यहां पे लिखा है ना, हाफ जोकिंग, तो उन्होंने ये चीज जो है उससे मजाक में पूछी थी। क्लियर? साहिब से स्माइलिंग ब्रॉडली, साहिब उनको जवाब देता है पूरी एक बड़ी सी स्माइल देके अपने चेहरे पे कि अगर आप बनाओगे तो मैं आपके स्कूल में पक्का आऊंगा। क्लियर? अब कुछ दिन बाद क्या होता है, साहिब जो है वो राइटर को देखता है और उनकी तरफ भागा भागा जाता है। Is your school ready? क्योंकि वहां पे नैरेटर ने पूछा था उससे कि क्या तुम जब मैं स्कूल बनाऊंगी तब तुम आओगे, तो उसने वो बच्चे ने बात सीरियसली ले ली, जबकि नैरेटर ने वो बात बहुत ही ज्यादा मजाक में बोली थी। क्लियर? तो वो उससे पूछता है, Is your school ready? क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? It takes longer to build a school. अब यहाँ पे हमारी जो नैरेटर है उन्हें बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है कि एक बच्चा, उसके अंदर कितने ज्यादा सपने हैं इन सब चीजों को लेकर, और मैंने उसे एक उम्मीद दी जो कि मैं पूरी नहीं करने वाली हूं। तो वो जब उनसे पूछता है तो उन्हें थोड़ा सा शर्मनाक फील होता है, पर वो बोलती है कि स्कूल को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, सेज द राइटर। शी फील्स स्मॉल एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। उन्होंने बहुत ज्यादा उन्हें छोटा फील हो रहा था क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जो कि वो पूरा नहीं करने वाली थी।
और एक ऐसे बच्चे से कर दिया था जिसके अंदर उस चीज को लेके बहुत ज्यादा उम्मीदें जग गई थी। क्लियर? अब आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब बहुत ज्यादा समय हो जाता है, हमारी जो राइटर है वो उसे बहुत ज्यादा अच्छे से जानने लग गई है, तो राइटर उससे पूछती है उसका नाम कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है, अरे तेरा नाम क्या है? हाय दयालम। बोलता है मेरा नाम है साहिबे आलम। अब उस बच्चे को उसके नाम का जो है मतलब नहीं पता होता, ही डजंट नो व्हाट इट मींस, उसके नाम का जो मतलब है वो नहीं पता है, जिसका मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है। अब जो वो बच्चा है वो अनअवेयर है अपने नाम के मतलब से, तो वो यहां से वहां ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, अपने नाम का उसे मतलब नहीं पता है और वो सारी गलियों में अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करता हुआ, कूड़ा उठाता हुआ सारा दिन ऐसे घूम रहा है। दे आर ऑल बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। वो सारे बच्चे जो हैं, सबसे पहली बात क्या है, बेयरफुट है, किसी ने भी कुछ भी नहीं पहना हुआ है पैरों में, और मॉर्निंग बर्ड्स की तरह हैं, सुबह सुबह जो बर्ड्स की आवाजें आती हैं हमें उनकी तरह हैं कि सुबह सुबह वो सब दिखाई देते हैं, पर जैसे जैसे दोपहर होती है वो सभी गायब होने लग जाते हैं। गायब कैसे होने लग जाते हैं? क्योंकि सुबह वो लोग कचरा उठाते हैं, दोपहर तक उनका वो काम खत्म हो जाता है, इसलिए वो लोग फिर धीरे धीरे अपने घरों की तरफ चले जाते हैं और सुबह सुबह सारे शहर में वो इसीलिए दिखाई देते हैं। क्लियर? ओवर द मंथ्स द राइटर कम्स टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब कुछ महीनों बाद क्या हुआ, राइटर एक एक करके सबको पहचानने लगी थी, क्योंकि डेली वो उनके चेहरे देखा करती थी, उनसे नाम पूछा करती थी कि क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो इस तरीके से उन्होंने उनसे एक फ्रेंडशिप डेवलप कर ली थी और उनका जो पूरा ग्रुप था साहिब आलम का, उन सबको वो धीरे धीरे जानने लगी थी। क्लियर? इन other to know more about these rag pickers, the writer visits Simapuri, which is a place on the periphery of Delhi. अब इन सभी को जानने के बाद हमारी राइटर के अंदर एक अलग सी क्यूरियोसिटी जागी कि मैं जाके देखना चाहती हूं कि कहां पे ये लोग जो हैं रहते हैं, रैग पिकर्स जो हैं ये कहां पे रहते हैं। तो वो जाती है सीमापुरी, जो कि आउटस्कर्ट्स पे है दिल्ली के, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। Those who live here migrated from Bangladesh in 1971. जैसे कि मैंने बताया कि जो भी लोग यहाँ पे रहते थे वो यहाँ पर 1971 में रहने के लिए आए थे। साहिब's family is among them. Simapuri was then a wilderness. और साहिब की फैमिली उन्हीं में से एक थी। उससे पहले वो जो इलाका था वो बिल्कुल जंगल था, पर जब वहां पे उनकी फसलें खराब हुई, उनको रहने के लिए कुछ भी नहीं था, खाने पीने के लिए नहीं था, सर पे छत नहीं थी, तो वो लोग धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हुए 1971 के अंदर। क्लियर? और अब यहाँ पे पूरा एक उनका ही इलाका बन चुका था, स्लम एरिया बन चुका था, वरना उससे पहले वहां पे बिल्कुल जंगल था। बट नाउ इट इज द होम ऑफ 10,000 रैग पिकर्स। पहले वहां पे जंगल था, पर अब वहां पे 10,000 रैग पिकर्स का, ये जो कूड़ा उठाते हैं ये लोग, इनका वहां पे पूरा बसना था, मतलब सब लोग वहां पे बसे हुए थे, 10,000 रैग पिकर्स। इनफैक्ट मोर देन दैट, ओके, दे लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड्स विद रूफ ऑफ टिन एंड टार्पोलिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीमापुरी के रैग पिकर्स थे वो कहां रहा करते थे, उनके जो घर थे वो मिट्टी के बने हुए थे, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मतलब मिट्टी के घर बने हुए थे उनके, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पोलिन, दे हैव नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 इयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। अब उनके जो घर हैं वो मिट्टी के बने हुए थे, रूफ्स जो हैं, छतें थी वो टीन की बनी हुई थी, लोहे की जो होती हैं, और टार्पोलिन त्रिपाल जो होता है उनसे उन्होंने ढका हुआ था, ताकि बारिश वगैरह अगर आए तो वो प्रोटेक्टेड रहे, वहां पे नीचे उनको पानी वगैरह नहीं आए। सीवेज नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, साफ पीने का पानी नहीं था, बिल्कुल आपने झुग्गी झोपड़ियों वाला जो इलाका देखा होगा कैसा होता है, वो गलियां नहीं होती हैं, घर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, और पूरा जो घर बना हुआ होता है वो लोग जो गार्बेज में उन्हें चीजें मिलती हैं उन्हें यूज करते हैं, जैसे बहुत सी बार कपड़ा मिल गया बड़ा, या कॉइन्स मिल गए, पैसे मिल गए, कोई भी चीज उन्हें अगर गार्बेज में मिल गई तो वो लोग उसे यूज करते हैं और अपना जीवन चलाने के लिए उनसे मदद लेते हैं। अब यहां पे वो लोग रह रहे थे 30 साल से भी ज्यादा टाइम से बिना किसी आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था, बस सरकार ने क्या कर रखा था,
उनके राशन कार्ड्स बनवा रखे थे जिनकी वजह से उन्हें ग्रेन्स मिल जाते थे, मतलब खाने के लिए अनाज मिल जाया करता था, बट दे हैव राशन कार्ड. सी क्या था उनके पास, राशन कार्ड थे और वोटर्स लिस्ट में उनका नाम था. राशन कार्ड दे दिया जिसकी वजह से उन्हें ग्रेन मिल जाता था, और वोटर आईडी कार्ड्स दे दिए ताकि वो लोग वोट कर पाए. तो पॉलिटिशियंस को इनसे बहुत ज्यादा फायदा होता था. राशन कार्ड ने क्या किया, बाय ग्रेन एंड फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एन आइडेंटिटी. और खाना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी. उन्हें कोई मतलब नहीं है आधार कार्ड नहीं है पैन कार्ड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना एजुकेशन मिल रही है, ना खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, ना रहने को मिल रहा है. आइडेंटिटी का करेंगे क्या, कुछ भी नहीं कर सकते. इससे अच्छा है कि उन्हें एटलीस्ट उस राशन कार्ड से फूड तो मिल रहा है, तो उन्हें वोटर आईडी दे दी, तो जिसने उनको खाना प्रोवाइड किया उन्होंने उसको वोट दे दिया. द राइटर सीज अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी. अब जो हमारी राइटर है वो क्या देखती है कि एक झुंड है महिलाओं का और फटी पुरानी उन्होंने साड़ियां पहनी हुई है. She asks them when they left their beautiful land of green fields and rivers. अब हमारी जो narrator है वो पूछती है कि आप लोगों ने अपना जो इतना सुंदर आप लोगों का घर था, खेत खलियान थे, वो सब छोड़कर आप यहाँ पर क्यों आए. The woman says if we can feed our families, ये dialogue है हमारे chapter में से, इसको ध्यान रखना. If we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields of that give us no grain. अब उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि हम यहाँ पर आके इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम हमारे परिवार का जो है पेट भर सकते हैं और बिस्तर पे रात को जा सकते हैं बिना पेट दर्द हुए, मतलब भूखे पेट अगर हम बिस्तर पे जा रहे हैं और ऐसी जगह रह रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है. यहाँ हमें खाना मिलता है राशन कार्ड की मदद से और हम इजीली आराम से सो सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं, तो ये चीज हमारे लिए ज्यादा बेटर है रादर देन एक ऐसी जगह रहना जहां हमें खाना ही नहीं मिल रहा है, दैट इज जहां से वो लोग आए थे, जहां सब कुछ खत्म हो गया था. तो ऐसी जगह रहने का कोई भी फायदा नहीं है, ये चीज वो हमारे नैरेटर को बताती है. Whenever they find food which they tense and start living in them. अब जहां पर भी उन्हें खाना मिलता है वो वहीं पे रहने लग जाते हैं, वहीं पे अपने टेंट लगा देते हैं और वहीं पे वो लोग अपना घर जो है बना लेते हैं. उन्हें चाहिए क्या, ऐसा कोई ईंट पत्थर का तो घर बनाते नहीं है वो लोग, वही टेंट से, टीन से, टारप्लेन वगैरह से घर बनाते हैं. तो जहां उन्हें लगता है कि यहां पे हमारा काम है, लेबर का काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो वहीं पे वो लोग अपना घर जो है बसा लेते हैं. Children grow up in them becoming partners in survival. अब उन्हीं के साथ उनके जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं conditions में जो है बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे. उनको ऐसा नहीं है कि माँ बाप इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं तो उनके बच्चों को अच्छी facilities मिल रही हैं, वो आगे ग्रो कर रहे हैं, नहीं, उन्हीं conditions में उनके बच्चे हैं, छोटी एज में ही काम करना शुरू कर देते हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है, पर आप देख सकते हैं उन लोगों को काम करते हुए सरेआम. And survival in Simapuri means rag picking. और सीमापुरी के अंदर अगर आपको जीवित रहना है तो आपको rag picking का काम ही करना होगा क्योंकि वो ही एकमात्र साधन है उनके जिंदा रहने का. Garbage to them is gold. Garbage उनके लिए क्या है, कूड़ा जो है वो उनके लिए गोल्ड की तरह है, सोने की तरह है, वो उनकी डेली ब्रेड है, मतलब रोजी रोटी है. डेली ब्रेड क्या होता है, रोजी रोटी. It gives them a roof over their heads, even if it is a leaking roof. जो ये वो है garbage, हमारा कूड़ा है, वो उन लोगों को क्या देता है, छत देता है सबसे पहले तो उनके सर के ऊपर, चाहे वो leaking roof क्यों ना हो. अब उनकी जो छत बनी होती है वो कपड़े, टीन और इन सबसे बनी होती है जिनमें से पानी वगैरह जो है वो रिसता रहता है. अब वो चाहे कैसी भी हो, दी तो उस कूड़े ने ही है, एटलीस्ट उनके ऊपर कुछ तो है जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड वहां पे फील कर रहे हैं. यहाँ पे एक डायलॉग है हमारे चैप्टर से, आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट. हमारा जो साहेब है वो बोलता है कि बहुत सी बार क्या होता है, मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कई कई बार मुझे 10 रुपए का नोट भी कचरे के अंदर मिल जाता है. साहेब सेज हिज आईज लाइटनिंग अप. और ये जो चीजें वो बता रहा है उसमें उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आपको चमक देखने को मिलेगी क्योंकि वो खुशी होती है. उनके लिए वो जो गार्बेज के अंदर 1 सिंगल कॉइन है या 10 रुपीज का कॉइन है वो उनके लिए गोल्ड की तरह, क्लियर. तो यहाँ पे गार्बेज के अंदर जो पैसे मिल रहे हैं उन्हें गोल्ड कॉइन से भी कंपेयर किया गया है. और ये सब उन्हें कहाँ मिलता है, हीप ऑफ गार्बेज के अंदर. ही डजंट स्टॉप प्रोबिंग. और एक बार अगर उन्हें कोई चीज मिल गई तो वो लोग ढूंढना बंद नहीं करते. प्रोबिंग मतलब ढूंढना, तो वो लोग ढूंढना बंद नहीं करते क्योंकि उनमें और ज्यादा होप आ जाती है कि शायद हमें और कुछ भी मिल सकता है.
क्लियर फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मींस टू देयर पेरेंट्स. अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना कि ये जो गार्बेज है ये उनके पेरेंट्स के लिए अलग क्यों है, अलग तरीके से इंपॉर्टेंट क्यों है, और बच्चों के लिए ये अलग तरीके से इंपॉर्टेंट क्यों है. पेरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले हम देखते हैं. फॉर देम इट इज अ वंडरलैंड, फॉर देयर एल्डर्स इट मींस अ सर्वाइवल. बच्चों के लिए क्या है ये, एक वंडरलैंड की तरह. उन्हें नहीं पता कि आज उन्हें यहां पर क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो वो और ज्यादा एक मतलब उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि शायद एक मिल गया, 10 का भी मिल जाए, कुछ और भी चीजें मिल जाए. वो लोग इसलिए उस गार्बेज में सर्च करते हैं. बट उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए उस गार्बेज में काम करते हैं. उसमें से जो भी चीजें उन्हें मिलती है उन्हें बेचते हैं, उससे अपना घर बनाते हैं, जो भी काम करते हैं वो उसको उस तरीके से देखते हैं कि इसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं. और जो बच्चे हैं वो उसे एक वंडरलैंड की तरह देखते हैं कि आज हमें 1 रुपया मिल गया, कल 10 मिल जाए, जूते मिल जाए, कुछ भी चीजें जो है उन्हें वो मिल सकती हैं. वन विंटर मॉर्निंग द राइटर सीज साहिब स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ अ क्लब. अब एक दिन की बात है सर्दियों की, जो हमारी साहिब है वो कहां खड़ा हुआ था, एक क्लब के गेट के बाहर खड़ा हुआ था. नैरेटर उसे एक क्लब के गेट के बाहर खड़ा हुआ देखती है. He was watching two young men dressed in white playing tennis. अब वो क्या देख रहा होता है, वहां पे क्लब के जो गेट के बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है कि दो लोग हैं, बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है उन्होंने, और वो लोग टेनिस खेल रहे हैं. अब वहां पे वो खड़ा होकर उन्हें बहुत ही ज्यादा ललचाई हुई नजरों से देख रहा है कि ये लोग क्या खेल रहे हैं. तो वहां पे वो कॉमेंट करता है, I like the game, he says, I go inside when no one is around. The gatekeeper lets me the swing. अब उसने पूछा कि तुम यहां पे क्यों खड़े हो, तो वो कह रहा है कि मैं इन लोगों को यहां पे से देख रहा हूं, मुझे ये जो गेम है वो बहुत ज्यादा पसंद है. मैं अंदर कब जाऊंगा, जब ये जो ग्राउंड है वो बंद हो जाएगा और जो गेटकीपर है वो मुझे अंदर झूला झूलने जाने देता है. क्लियर. तो यहां पे हमें देख सकते हैं कि उसके अंदर कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं चीजों को लेके, वो लोग कितना ज्यादा हर एक, अब उसको वो गेम पसंद है पर वो खेल नहीं सकता. क्यों? क्योंकि इतनी कंडीशंस नहीं है, फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही है, लोग अंदर ही नहीं घुसने देंगे, साफ बात यहां पे आ जाती है. तो इसीलिए साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज. अब हमारा जो साहिब है उसने भी टेनिस के ही जूते पहने हुए हैं. साहिब ने क्या पहने हुए हैं, टेनिस के शूज ही पहने हुए, पर उसके टेनिस के शूज की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बुरी है. किसी ने उसको वो जूते दिए हैं, समवन गेव दोज टू हिम. They are the discarded shoes of some rich boy. वो किसी एक अमीर बच्चे के ऐसे ही फेंक दिए गए जूते थे. क्यों? क्योंकि वो पुराने हो गए थे, उनमें होल्स वगैरह हो गए थे जिन्हें वो और नहीं पहन सकता था. पर साहिब के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी उन्हीं जूतों को पहन के, क्योंकि उसके पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं था. There is a hole in one of them, but that doesn't bother साहिब. उनके अंदर एक होल हो रखा था उन जूतों के अंदर, पर उससे हमारे साहिब को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था. वो सारा दिन वैसे भी गलियों में नंगे पैर ही घूमा करता था. इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू. उसके पास मतलब उसके पास जो जूते थे उनमें एक होल था, एटलीस्ट उसके पास जूते तो थे. यही उसका एक सपने की तरह था जो कि पूरा हो गया था, वरना वो लोग इतने भी लायबल नहीं थे कि वो एटलीस्ट पैरों में पहनने के लिए कुछ खरीद सके. अब ये जो इनका नंगे पैर चलने का ट्रेडिशन है, इसके बारे में भी एक स्टोरी है. अब जो वहां पे वो खड़ा होके गेम देख रहा था वो उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर था, वो उस गेम को नहीं खेल सकता था, फैसिलिटीज उसे नहीं मिल रही थी, पर उसने वो जो जूते पहने हुए थे वो भी उसका एक सपना पूरे होने की तरह ही था. मतलब सारा दिन वो लोग नंगे पैर घूमते, तो ये एक ट्रेडिशन माना जाता है इन लोगों में कि हम नंगे पैर घूमते तो ये हमारी पॉवर्टी दिखाता है. अगर वो अफोर्ड भी कर सकते हैं तो भी वो लोग नहीं पहनते, तो ये इनका मानना है एक मतलब इन लोगों का जो सीमापुरी के लोग थे यहाँ पे रहने वाले उनका. क्लियर. ऐसा नहीं था कि उनके पास जूते थे, अगर उनके पास होते भी हैं तो भी वो नहीं पहनते हैं. तो ये चीज है जो हमारे इस स्टोरी के अंदर बताई गई है. वन मॉर्निंग द राइटर सी साहिब गोइंग टू अ मिल्क बूथ. अब एक दिन क्या होता है, जो हमारी राइटर है वो देखती है साहिब को मिल्क बूथ के पास जाते हुए. कहां जाते हुए? मिल्क बूथ के पास जाते हुए. He has in hand a steel canister. I now work in a tea stall. उसके हाथ में क्या होता है? एक स्टील का कैनिस्टर होता है और वो बोलता है कि अब मैं एक टी स्टॉल के अंदर काम करता हूं. I am paid 800 rupees and given all my meals, he says. मुझे 800 रुपए दिए जाते हैं. बहुत होते हैं 800 रुपए, जो बच्चे
बिल्कुल कूड़े में से सामान निकाल निकाल के और उनके पेरेंट्स ये सब काम कर रहे हैं तो भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उस बच्चे ने क्या किया, इतनी छोटी सी उम्र में टी स्टॉल पर काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसे 800 रुपीज मिल रहे हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जिस एज में उसको पढ़ना चाहिए था, सारे और काम करने चाहिए थे, उस एज में वो चाइल्ड लेबर का काम कर रहा है और अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे कमा रहा है, जिसके उसे 800 रुपए मिलते हैं, वो टी स्टॉल पे काम करना स्टार्ट कर रहा है। द राइटर सीज दैट साहिब हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक ऑफ हिज फेस। अब हमारा राइटर बोलता है कि जो साहिब के फेस पे पहले जब वो रैग पिकिंग करता था, उस कूड़े के ढेर में चीजें ढूंढता था, तब उसके फेस पे जो एक खुशी होती थी, एक केयरफ्री, मतलब उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, स्कूल जाते ही नहीं थे ये लोग, कोई एग्जाम प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके ऊपर, एक केयरफ्री लुक होता था, तो वो अब मिसिंग था जब से उन्होंने उसके हाथ में वो स्टील का कैनिस्टर देखा और उसने टी स्टॉल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही यूज्ड टू कैरी ओवर हिज शोल्डर्स। अब यहां पे जो स्टील कैनिस्टर था वो लग रहा था कि ज्यादा भारी है, जितना भारी वो कंधे पे बैग उठाते ना ये रैग पिकर्स होते हैं जो उसमें सामान डालते रहते हैं, तो यहां पे हमारा राइटर कह रहा है कि शायद वो जो स्टील की केतली थी वो ज्यादा भारी थी उस बैग से, क्योंकि जब वो बैग था तो उसके पास एक केयरफ्री लुक था, पर जैसे ही वो स्टील की कैनिस्टर उसके हाथ में आई उसका केयरफ्री लुक खत्म हो गया, क्योंकि उसके ऊपर अपना परिवार चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई और अब उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि अब वो खुद का मालिक नहीं रहा था, जो उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अब वो नहीं रहा था, जिसका मतलब उसे वैसे भी पता नहीं था। The bag was his, वो बैग जो था वो उसका होता था, पर यहाँ पे जो चाय की कैनिस्टर है वो उसकी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, the canister belongs to the man who owns the tea shop। वो कैनिस्टर किसको belong करती है, जो उस टी शॉप का मालिक है उसको belong करती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अब उसके ऊपर responsibilities बहुत ज्यादा थी और अब जो स्टील का कैनिस्टर वो उठा रहा था वो होता एक्चुअल में तो हल्का ही होता है, बट यहां पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के तरीके से बता रखा है कि नहीं अब वो भारी था उसके बैग से। क्लियर, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब खुद का मास्टर नहीं रहा था, मतलब इस दुनिया का मास्टर जो है वो नहीं रहा था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स अब उसके ऊपर खुद का जोर नहीं था, पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मतलब अपनी मर्जी का मालिक है, कुछ भी करे, केयरफ्री लुक था उसके ऊपर, पर अब ऐसा नहीं था, अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है कि आ गई थी। अब इस स्टोरी के अंदर हमारे राइटर ने दो और स्टोरीज हमें छोटी छोटी बताई थी कि पहले जब वो सीमापुरी गए थे तो एक बच्चा था छोटा सा, वो एक मंदिर के सामने से गुजरता है, उस मंदिर का जो पुजारी है वो उसके पापा होते हैं, तो अब वो जैसे उसके आगे से गुजरते तो वो डेली वहां पे विश करता था कि प्लीज मुझे एक पैर जूते चाहिए, प्लीज मुझे एक पैर ऑफ शूज चाहिए। तो कुछ टाइम बाद जब वापस से कई सालों बाद जब वापस से हमारी नैरेटर उस एरिया में गई तो देखा कि मंदिर भी बदल गया है, पुजारी भी बदल गया और उस बच्चे ने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन रखी है, शूज पहन रखे हैं और वो स्कूल से आता है, तो उन्होंने बताया कि पहले से लेके अब तक की जो कंडीशंस है वहां की वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। उडीपी की कंडीशन बताई थी उन्होंने, सीमापुरी की नहीं बताई थी, उन्होंने कहानी नैरेट की थी कि जो उडीपी है वहां पर कंडीशंस पहले से और अब तक में बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं, पर सीमापुरी का जो हाल है वो सेम है, बच्चे आज भी वहां पे रैग पिकिंग ही कर रहे हैं, उन लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है वो भी रैग पिकिंग की वजह से ही चल रही है। तो अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सर्वाइव कैसे करते थे, जो भी गार्बेज में चीजें मिलती थी उससे अपना घर बनाते थे, जो भी पैसे वैसे थोड़े बहुत मिल जाया करते थे उससे खाना वगैरह मांग लिया करते थे, रैग पिकर्स भीख वगैरह मांग के वो लोग अपनी रोजी रोटी जो है वो कमाया करते थे। तो इस तरीके से हमने हमारे लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब देख लो आप, सबसे पहले लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है यहां पे जो छोटे बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं अपने बचपने में, अपने चाइल्डहुड में वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो उनका बचपना जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनके चाइल्डहुड में कोई भी चाइल्डहुड नहीं बचा है, तो यहां पे जो स्प्रिंग है उसका मतलब है चाइल्डहुड, लॉस्ट चाइल्डहुड। अब ये हमने कहानी पढ़ी साहिब की, इस चैप्टर के अंदर जो दूसरा पार्ट है उसमें हम बैंगल मेकर्स की कहानी पढ़ेंगे
और देखेंगे कि किस तरीके से उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. ये जो इम्पोवरिश्ड काइंड ऑफ चाइल्डहुड उनका बीत रहा है वो क्यों हो रहा है. तो जिस तरीके से नैरेटर ने ये सारी चीजें देखी हैं, एग्जामिन की हैं, वो उन्होंने स्टोरी के अंदर लिखा है. तो दोस्तों यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. अब हम इम्पॉर्टेंट MCQs कर लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आने के चांसेस है. इसके बाद हम लॉन्ग आंसर्स भी करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, साहेब वॉज स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्स मीन्स, यानी कि यहाँ पे स्क्राउंजिंग का क्या मतलब है. साहेब गोल्ड को गार्बेज में क्या कर रहा था, स्क्राउंज कर रहा था, इसमें कौन सा इसका सही मतलब है. इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, ही वॉज सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्स, यानी कि वो सोने की तलाश कर रहा था कचरे में. वॉट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, चप्पलें ना पहनने की क्या वजह बताई थी ऑथर ने. तो इसका आंसर है उनका बहुत ज़्यादा गरीब होना, बी दे वेयर वेरी पुअर. नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिब्स कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग दैट ही यूज टू कैरी ऑन हिज शोल्डर मीन्स, यानी कि साहिब जो चाय की केतली उठाता था वो ज़्यादा भारी थी वो जो कचरे का बैग उठाता था उससे. इससे क्या समझते हैं आप. आंसर है बी, साहेब वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज न्यू जॉब, वो अपने नए काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस्ट स्प्रिंग इज रिटन बाई, ये किसने लिखा है, लॉस्ट स्प्रिंग किसने लिखा है. अनीस जंग जी ने लॉस्ट स्प्रिंग लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डम्स, साहेब कचरों के ढेर में क्या ढूंढता था. आंसर है यहाँ पे गोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, साहेब केम फ्रॉम, साहेब कहाँ से आया था. इसका आंसर है ढाका, ढाका से आया था साहेब. नेक्स्ट क्वेश्चन, साहेब लिव्ड इन, साहेब कहाँ रहता था. इसका आंसर है साहेब सीमापुरी में रहता था, सीमापुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन गेट फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ बिकॉज ऑफ, बच्चों को काम के लिए धकेला जाता है बहुत ही छोटी सी उम्र में क्यों. इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है पॉवर्टी, गरीबी की वजह से. What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? तो साहेब जो है वो गार्बेज में से क्या ढूंढ रहा है, वो कहाँ पे है और कहाँ से आया हुआ है. साहेब is looking for items like clothes, shoes, bits of metal, plastic scrap, rupee coin, etc. तो साहेब क्या ढूंढ रहा है, कपड़े, जूते, कुछ मेटल जिसको बेच सके, प्लास्टिक स्क्रैप जो कि रिसाइकल में दे देगा, या फिर कई बार उन लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं ये गार्बेज में. ही इज अ रैक पिकर, और उसका क्या काम है, जो रैक पिकर मतलब जो कूड़े में से कुछ कुछ जो यूजफुल चीजें होती हैं उनको उठा लेते हैं, वो होते हैं रैक पिकर. बेसिकली वो उठाते कूड़ा है लेकिन फिर उसमें से जो जो चीजें उनको अपनी जरूरत लगती है वो अलग कर लेते हैं. एंड फॉर हिम दीज आइटम्स आर प्रेशियस लाइक गोल्ड, तो उसके लिए ये शूज हो या क्लोथ्स हो या मेटल हो या प्लास्टिक स्क्रैप हो या रूपी कॉइन हो, ये सोने के समान है क्योंकि उन सबसे उसको फायदा होता है. ही लिव्स इन सीमापुरी, ये कहाँ पे रहता है, सीमापुरी में, अ स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. तो सीमापुरी कहाँ पे है, दिल्ली के एकदम किनारे जहाँ दिल्ली खत्म हो जाती है उसके बॉर्डर में, वहां पे आउटस्कर्ट्स में है दिल्ली से दूर, दिल्ली जहाँ पे खत्म होने लग जाती है वहां पे एक स्लम ही बसी हुई है जिसका नाम है सीमापुरी. He has come from Dhaka, Bangladesh, many years ago when storms had swept away their fields and homes, leading to extreme poverty. तो ये तब आए थे जबकि इनके इनका जो घर है वो तूफान से और पानी से बह गया था जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ा. या फिर कहीं पे पढ़ने से ये भी लगता है कि ये शायद इंडो पाक वॉर के समय पे आए थे और ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971. Now, what explanation does the author offer for children not wearing footwear? Author क्या explanation देते हैं उन बच्चों के लिए जो कि चप्पल नहीं पहनते. The author tries to explain that staying barefoot is an ancient Indian tradition. Author समझाने की कोशिश करते हैं कि नंगे पैर रहना एक इंडिया का रिवाज है बहुत पुराना. But she understands the truth that in India staying barefoot is a forced condition. लेकिन वो ये समझती हैं कि इंडिया में नंगे पैर रहना एक मजबूरी है. Due to utter poverty,
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी है, इंस्टेड ऑफ अ फेथफुल एडियरेंस टू एन ओल्ड ट्रेडिशन। और ये कोई रिवाज को फॉलो करने की बात नहीं है, ये तो मात्र गरीबी में रहने की बात है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें की है व्हाट वाज साहिब्स फुल नेम एंड व्हाई वाज इट आयरोनिकल। साहिब का फुल नेम क्या था और वो एक आयरोनिकल ये वो बात क्यों थी। वो तो फुल नेम वॉज साहिब ए आलम, साहिब ए आलम विच मीन्स द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे विश्व का, पूरे संसार का मालिक। बट ऑन द कॉन्ट्ररी साहिब वॉज लिविंग इन अटर पॉवर्टी इन अ स्लम, लेकिन देखा जाए तो साहिब बहुत गरीबी में रह रहा था और स्लम्स में रह रहा था एंड वॉज नॉट इवन एबल टू गेट प्रॉपर मील, और उसको अच्छे से खाना भी नहीं मिल रहा था, नंगे पैर रहता था, घर भी प्रॉपर नहीं था, रैक पिकर था। इसीलिए जो नाम है साहिब अ आलम, मतलब कि पूरे दुनिया का मालिक, ये बात जो ये नाम जो है उसका आयरोनिकल था। For children, garbage has a meaning different from what it means to the parents. जब मैं आपको summary बता रही थी तब भी मैंने आपको ये point note करवाया था कि ये जो garbage है इसका मतलब parents के लिए तो अलग है और जो बच्चे थे वहां पे उनके लिए अलग है। Children के लिए वहां पे ये क्या है, एक wonderland की तरह है। Garbage क्या है उनके लिए, एक wonderland की तरह है, जबकि parents के लिए एक डेली सर्वाइवल, उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, ब्रेड विनिंग हम कह सकते हैं, एक्टिविटी की तरह उनके लिए है। तो इन दोनों पे बेस्ड आपको मेन चीज पता चल गई कि पेरेंट्स के लिए डेली सर्वाइवल का रोज है कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ चलती रहे, और बच्चों के लिए ये एक वंडरलैंड की तरह क्यूरियस रहते हैं, एक रुपया मिल गया हो सकता है 10 मिल जाए, तो एक केयरफ्री लुक होता था और वो हमेशा उस गार्बेज में कुछ ना कुछ खोलते रहते थे, खोजते रहते थे। तो यही चीज आपको इस आंसर के अंदर लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट अंडर व्हाट कंडीशंस द रैग पिकर्स इन सीमापुरी लिव, कि क्या कंडीशंस थी सीमापुरी के जो लोग रह रहे थे, जब हमारी जो नैरेटर है वो उन्हें देखने गई वहां पर, तो वो लोग किस कंडीशन के अंदर रह रहे थे। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप लिख लीजिए। मड विद रूफ, मतलब कच्चे घर थे मिट्टी से बने हुए, जिनके ऊपर टिन की छतें थी और टारपुलिन से उन्हें ढका हुआ था। टारपुलिन क्या होता है, तिरपाल होते हैं जिनसे पानी पास नहीं होता है। दूसरी चीज है डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज सिस्टम था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था, खत्म था। ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, चारों तरफ से पानी का कोई भी आने जाने का स्रोत नहीं था, पानी भरा रहता था। उसकी वजह से क्या होता है, गंदगी की वजह से बीमारियां, जितनी ज्यादा बीमारियां, खाने पीने को नहीं है, कुपोषित होते हैं बच्चे, कोई फैसिलिटीज नहीं है, ना डॉक्टर्स है ना टीचर्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो आगे ग्रो करे, इसीलिए वो दिन पे दिन और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वॉकिंग ऑन द टी स्टॉल एक्सप्रेस। अभी हमने एंड में बात की थी कि क्या साहिब खुश था उस टी स्टॉल पे काम करने में, पहले वो रैक पैकिंग का काम करता था तो क्या तब खुश था, या फिर टी स्टॉल पे काम कर रहा था तब खुश था। तो जब वो रैक पैकिंग का काम करता था वो तब खुश था, क्योंकि हमारे नैरेटर ने क्या बोला था कि जब वो रैक पैकिंग का काम करता था तब एक केयरफ्री लुक होता था उसके फेस पे, बिल्कुल कि कोई किसी चीज की चिंता ही नहीं है, कुछ नहीं है, घर चलाना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, खाने के लिए नहीं है, स्कूल जाना है, कोई बीमार है, कुछ भी टेंशन नहीं होती थी। अब जब से वो टी स्टॉल पे काम करने लगा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, 800 रुपए कमाने लगा था, और वो टी स्टॉल की कैनिस्टर जो थी, टी कैनिस्टर, वो ज्यादा हैवी थी उसके रैक पैकिंग वाले बैग से। क्लियर। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, हाउ डू रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी सर्वाइव। अब गार्बेज जो था सीमापुरी के लोगों के लिए वो गोल्ड की तरह क्यों था, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको कि डेली सर्वाइवल था, जिंदा थे उस चीज की वजह से जहां पहले रहते थे ग्रीन फील्ड्स वगैरह में। स्टार्टिंग से आपको आंसर फ्रेम करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा कि ये जो लोग हैं ये कब हमारे यहाँ पे सीमापुरी वाले इलाके में आके रहने लगे, क्यों रहने लगे, कारण क्या था, और जब इनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे आके क्यों रहने लगे, उसका कारण इन्होंने क्या बताया था कि वहां पर हमें ना तो खाना है ना हमारे पास घर है, तो ऐसी जगह रहने से अच्छा हम ऐसे इलाके में रह लें, रैग पिकिंग कर लें, जहां एटलीस्ट हम रात को अगर सोने जा रहे हैं तो भूखे पेट नहीं जा रहे हैं। क्लियर। यही चीजें आपको लिखनी है। और गार्बेज उनके लिए गोल्ड इसीलिए था क्योंकि वो उन्हें जिंदा रखे हुए था, एक वो ही स्रोत था, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही थी,
तो गोल्ड क्या होगा उनके लिए? रियल गोल्ड तो उनके पास हो नहीं सकता, तो गार्बेज ही उनके लिए गोल्ड था, क्योंकि वो ही उनका घर भी चला रहा था, उनके बच्चे भी पाल रहा था और उनको खाने को भी दे रहा था, और इसी तरीके से वो सर्वाइव करते थे। एक पार्ट हम इस स्टोरी का कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि बैंगल मेकर्स से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से हमारे और चैनल्स और वीडियोस देखने के लिए, हमारे और चैप्टर्स देखने के लिए, इंग्लिश के सारे समरी वाइज, थीम वाइज, कैरेक्टर वाइज सभी चैप्टर्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपको समरी और ज्यादा वाइड चाहिए, ज्यादा शॉर्ट चाहिए, क्वेश्चन ज्यादा करवाने हैं, जो भी चीज है आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।